दिक्कत आ रही है, कैश आपका गायब कर रहे हैं और ये सेंट्रल बैंक पे जाएंगे, इसके बाद अगर आपकी सारी ट्रांजेक्शन रोक दी जाएगी, आपके ऊपर सेंसरशिप चलेगी, आपका बैंक अकाउंट की जो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास चली जाएगी और आप एक के बाद एक उनके हर एक चंगुल में फंस जाएंगे। पर हमने आपको प्रपोज किया, इसका सोल्यूशन है कैश, गोल्ड, सिल्वर और लैंड। तो इसमें बहुत सी महिलाओं साथियों का हमारा एक सवाल आया था कि आप जब गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं, कैश की बात करते हैं, तो महिला भाई एक मिनट, जब आप महिलाओं की बात करते हैं, आप कहते हैं कि महिलाओं को ये सब रखना चाहिए और जागरूक साथियों को ये रखना चाहिए, तो भाई उनका छीना झपटी भी होती है, कोई चलते फिरते चैन स्नैचिंग हो जाती है, इस प्रकार की घटनाएं आ रही है सामने और वो परेशान होते हैं। तो उनका सवाल था कि हम उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए भी जनता सरकार मोर्चा के पास एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वो है आपका सेल्फ डिफेंस। और उसके अंदर आपको समझाएंगे रणवीर भाई हमारे, आइए रणवीर, रणवीर आपको समझाएंगे। ये सेल्फ डिफेंस के एक्सपर्ट है, मार्शल आर्ट भी जानते हैं और एक लंबे समय से इन चीजों का अभ्यास कर रहे हैं। और आपको जनता सरकार मोर्चा के अंदर ये सारी बातें जो है रणवीर सिखाएंगे। जी रणवीर, एक बार ताली से स्वागत करें। सारी बातें तो नहीं क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहे हैं, तो आज सिर्फ एक तो पॉइंट बताता हूँ मैं महिलाओं के लिए, सभी के लिए है, वो फिर क्लास फिर करेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं कोई भी आप में शब्द हो, कोई भी महिला, ये बताओ सबसे ज्यादा दिक्कत आपको क्या आती है, मतलब क्या आ जाए तो क्या करना चाहिए, मतलब कोई भी सवाल है, मतलब ऐसा अच्छा हो तो क्या करना चाहिए, अगर चैन खींच ली या कोई ब्रश छीनने की कोशिश कर रहा है या हाथापाई कर रहा है, किसी को मारना है, डैमेज करना है या सिर्फ कंट्रोल करना है, 5 मिनट के लिए पकड़ना है, कोई भी सवाल पूछ सकता है। फोन लेते करते हुए बाहर जा रहे हैं और गाड़ी पे 3 लोग बैठे हुए हैं और ठीक से चले गए, अब उस फोन को वापस कैसे लाए, तो महिला पुरुष दोनों का इसे मार्शल आर्ट के प्लान इसे मार्शल आर्ट ये डेली नंबर है, तो गाड़ी में बैठे हुए पीछे ले लो उसके। देखो जिस टाइम वो फोन छीनते हैं ना, जिस टाइम छीनते हैं वो ज्यादा स्पीड में नहीं छीन सकते, थोड़ा स्लो करना पड़ेगा भाई। हम क्या करते हैं ज्यादातर उस टाइम रुक जाते हैं, जब तक हम ये सोचते हैं ना कि हुआ क्या, जब तक वो चला जाता है। देखो सबसे पहले तो कोई भी हादसा हो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा खुद पे, गुस्सा आए गुस्से को यहां तक रखो, यहां पे आगे मत आने, क्या करता है गुस्से में दिमाग काम नहीं करता। आपको कितनी भी टेक्निक बताऊं, अगर मैं टेक्निक बता दूं 2, 4, 5, 10 और अगर आपका दिमाग काम नहीं करेगा उस टाइम तो वो टेक्निक किसी काम की नहीं। सबसे पहली बात तो ये, दूसरी चीज जैसे उसने अब फोन छीनने की कोशिश की, अगर आप तुरंत उसकी 2 मिनट के लिए अगर बाइक पकड़ पाए, बाइक पकड़ोगे 2 कारण हो सकते हैं, या तो आप उसकी बाइक को हिला दो, अगर आप सीधा पकड़ोगे तो आपको खींच के लेके जाएगा, अगर ऐसे पकड़ोगे आप रोक नहीं सकते बाइक को, आप बाइक को साइड से थोड़ा भी बैलेंस निकालने की कोशिश करो, साथ में अगर आप उसको मार नहीं सकते कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ी देर चिल्ला सकते हो। अगर 1 या 2 मिनट के लिए 1 या 2 साथी भी आपका आपके लिए आया तो आपका काम तो हो गया, अगर आप बोलोगे भी नहीं, आप पकड़ने की भी कोशिश नहीं करोगे तो क्यों देगा, सुनो झेल लिया। बाइक पकड़नी है तो आप साइड को ढकेल लो, आदमी को पकड़ना है तो आप ऐसे मत पकड़ो, आप नहीं पकड़ पाओगे आप खुद गिरोगे यहाँ से, कोई भी आवाज मार नहीं होगी, गिरने का मोहित देखो। अब ये उधर मैं इधर जा रहा हूँ तो ये खास कर क्या होता है, पीछे से आते हैं ज्यादातर, तो यही होता है। अब ये अगर 2-3 दिन बैठे होते ज्यादा उतना आसान है, जितने ज्यादा बाइक में उतना आसान गिरना है, और एक अगर तो छीनता भी नहीं वो तो वैसे ही बैलेंस निकल जाता है। अगर किसी को पकड़ना है यहाँ से और कहीं से मत पकड़ो, अगर पीछे से दूसरा कोई रास्ता भी नहीं यहाँ से पकड़ो, अब यहाँ से पकड़ोगे कि ज़्यादातर क्या होता है छीनने वाला जो होता है वो पीछे वाला ही छीनता, चलाने वाला नहीं छीनता। अगर आपने इसको ही पकड़ लिया, अगर यहाँ से पकड़ोगे आप नहीं पकड़ पाओगे,
यहाँ से पकड़ोगे नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन ये चीज ऐसी है यहाँ से पकड़ सकते हो। अगर धकेलना है बाइक को तो साइड में थोड़ा सा एक बार ये करो, साथ ही साथ अगर आप लड़ नहीं सकते तो चिल्लाओ चिल्लाओ। अगर अच्छा होता है मान लो आप पैदल चल रहे हैं, चेन वाला में वही बता रहा हूँ। अगर ये आता पैदल अब छीनने के लिए इसको क्या करना होगा, क्या करोगे आप छीनोगे? हाँ देखो अब इसके लिए कई कारण है, देखो इसको क्या करना है, ये छीनने के लिए यहाँ पे ये झटका मारना पड़ेगा, सीधी बात है। अगर आप आपको ये बताओ आप इसको एक ही बार में कब डैमेज कर सकते हैं, ये छीन लेगा तोड़ तो देगा क्योंकि जब तक आपका हो सकता ध्यान ना हो, लेकिन तोड़ के बाद भी सकता। अगर आपको ये बताओ अब ये पॉइंट है जो वह तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं एक दो बताऊँगा। अब इतने ये जो शरीर है कितना भी टकटा हो इसके अंदर इतने पॉइंट हैं, थोड़ा सा भी अगर आप थोड़ा सा भी पावर यूज करोगे तो ये इसको आप डैमेज कर सकते हो, इसको आप बेहोश कर सकते हो, इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। अब करना क्या है, अगर इसको सिर्फ पकड़ना है हाथ को, हाथ को अगर ये हाथ इसने उठाया तो ये साइज का खाली है। अगर आप यहाँ पे बात कर पाए, यहाँ पे ये हिस्सा इतना कमजोर है, ये हिस्सा जहाँ पे साफ चलता है ये, अगर आप थोड़ा भी घुमा कर पाए थोड़ा भी, अगर आप इसने इस तरीके से खींच लिया, इस तरीके से आप इस तरफ मत जाओ, अगर इसने ये खींचने की कोशिश की ये इस तरफ खींचेगा दोबारा, अगर इसी साइड आप आ जाओ आप गिरा सकते हो। टेक्निक तो बहुत ज्यादा है, ये ठीक है, ये वाला बाइक पे नहीं जाएगा, ये बाइक पे तो जाएगा नहीं, बाइक को गिराने वाला और मारने वाला हाँ भाई नहीं, बाइक पे मार नहीं सकते आप दबते हुए, मार नहीं पाओगे, हर कोई नहीं मार सकता बाइक पे, मार नहीं पाओगे। ये पकड़ने वाला और गिराने वाला जो आपका है सबसे अच्छा है। अब मान लो ये रोड पे सामने से आया, अब इसने वैसे ही चिन्ह छपने की कोशिश की, ये पकड़ लिया, ज्यादातर क्या होता है ये मारने की कोशिश करते हैं, आदमी तो इसी तरह लड़ते हैं, महिलाएं कैसे लड़ती हैं अगर आपस में झगड़ा हो जाएगा, कोई नहीं बात कैसे पकड़ते हैं बताओ, एक बार बताओ, मैं बताता हूँ याद भी नहीं होगा इतने सारे बेहोश करने का।
अभी मान लो ये पकड़ लिया मोहित ने, ये ज्यादातर क्या करता है, अगर मोहित किसी को मारने को कैसे मारूंगा, कैसे मारो तेज पावर के साथ। अरे झगड़ा हो गया, मार ना, मारे मानी मारेंगे, नहीं मारेंगे, डरो मत, पावर के साथ मार यार। नहीं यार, तो मैं बोल रहा हूँ मार मार को तेरे घर में भाई मार दो एक जो से मार गुड मार से। अरे नहीं यार, मार मारेगा, मार तो मार ही सकता है, जितना धरना मोर्चा भाई। अगर यहाँ ना देखो भाई, देखो देखो क्या है, अगर आप वो है, अगर रेगुलर अभ्यास करोगे तो आप मार्शल आर्ट का क्या मतलब होता है, सबसे ज्यादा सहन शक्ति को बढ़ाना, मारने के लिए नहीं होता मार्शल आर्ट, ये बताता हूँ, सिर्फ अपनी आत्म रक्षा के लिए होता है। क्योंकि अब जैसे जिसको कुछ लड़ाई का ज्ञान नहीं वो लड़ाई से डरेगा, अब इसका उल्टा है, अगर आप मार्शल आर्ट का असली जो योद्धा होता है ना असली, वो भी लड़ाई से डरता है, वो क्यों डरता है कि मेरे हाथों कोई मर ना जाए, ये खास बात है। अगर देखो नॉर्मल क्या होता है, ऐसे बताओ कोई किस तरीके से मारोगे, देखो इसके बहुत ज्यादा तरीके, बहुत ज्यादा बचने के, पावर भी यूज करें बगैर भी आप बच सकते हो, तो पावर बगैर यूज किए भी रोक भी सकते हो, मार ना देखो ध्यान से, मार 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 इसका टारगेट कहाँ तक गया, अगर मैंने थोड़ा भी पीछे गया तो इसका वार क्या हुआ, कमजोर कमजोर हो गया, लग भी गया तो क्या हुआ, कमजोर। दूसरी चीज ये भी वार है, थोड़ा शॉर्ट हो साइड में, अब तो क्या था पीछे, अब दूसरी चीज फिर वार, अब ये क्या है, सिर्फ ये माले ये तो दूसरा ये तरीका है, ये इससे तो पावर यूज होती है, मार देगा ये लेकिन डैमेज नहीं कर पाएगा, डैमेज नहीं कर सकता, ये जो इसमें ये घुमाना इसे कोई डैमेज नहीं होगा, यहाँ मारो यहाँ मारो क्या हुआ इसे, अगर मत होगा ये बचाओ तो बता दो। दूसरी चीज फिर बोलो बात, ये देखो यस यस वंस मोर, हाँ हाँ ठीक है चलो, एक एक बार होगा मंगल फिर बताओ भाई, वो उससे तो पहले मैं नजदीक भी नहीं आया तुम्हारी दो अब यहाँ हूँ, अब मेरे पास मैं या तो ये मारूं या मैं ये मारूं या मैं यस या ये मारूं और इससे अलग यस ये हम क्या कर सकता हूं मैं, अगर इस जोड़ पे यहां पे ये अगर इधर मोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, ये पावर यूज करेगा, लेकिन अगर इधर ये क्या होता है इस जोड़ पे या ये मार दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया ये अंदर घुसो, समझ रहे हो सब लोग, अभी आ रहा ना समय, बढ़िया लग रहा है, देखो इतनी चीज़ ये तो क्या है, सिर्फ एक पंच का है कि किक भी मार सकता है, अच्छा पंच जैसे इसमें दूसरा यूज किया वो भी कर सकता है, अच्छा इसके पास कोई डंडी है वो भी मार सकता है, चाकू है वो भी मार सकता है, पिस्टल है वो भी, लेकिन इतनी चीज में एकदम बता नहीं पाऊंगा, वो तो लंबा हो जाएगा, ये एक चीज जो भी है, देखो बार 50 बताओ 100 बताओ कोई काम के नहीं है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे हर बार खराब है, अगर एक भी पॉइंट अगर आपने ये पंच पावर के साथ यहाँ यूज कर दिया, ये तो मारने के लिए इसको क्या है,
ये आगे आना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ गए, ये अगर यहाँ पे ये और अगर यहाँ पे मार दिया तो दूसरी चीज अगर नजदीक है तो ये खासकर महिलाओं के लिए है। ये माइंड यहाँ पे ये हिस्सा जो है ये डिंग यहाँ पे मार, इतने हिस्से खुद टच करके देखो, थोड़ा सा देखो, वो जो टाइम पता पाया तो ज्यादा प्यास नहीं होगी यहाँ पे। ये अब वो एक अलग चीज है, जब इसकी जो रूटीन में प्रैक्टिस करोगे, जैसे पंच लिया, जैसे ये खड़ा है यहाँ पे, जैसे ये आगे आया एक सेट है, देखो अब इसने आगे आने के लिए क्या किया, सबसे पहले फिर आवाज़ देखो इसने क्या किया, पहले इस पैर के ऊपर पकड़ बनाई, मारेगा बाद में, पहले क्या करेगा, पहले आगे आने के लिए पकड़ बनाएगा जमीन को। अगर आप इसकी पकड़ बनने से पहले ये देखो अगर आप पकड़ बनने से पहले आप इसको गिरा सकते हो, गिराते ही आप क्या कर सकते हो, मार भी सकते हो, मतलब डील नहीं करनी किसी भी चीज की, देरी नहीं होनी चाहिए, आपको पढ़ लेना है ये क्या करने वाला है। और आप रूटीन में इसका अभ्यास करोगे ना तो नजरों में नजर मिलाते ही पता चल जाएगा ये क्या करने वाला है। आपका नंबर दे दीजिए और ऑनलाइन क्लास कैसे हो सकता है? अभी मैं ऑनलाइन से शुरू करूंगा, अभी मैंने की नहीं। साहिल भाई ऑनलाइन क्लास करा, कितने कितने हैं बिल गेट को कैसे मारो क्या? हां